हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एमएस वर्ड के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो एमएस वर्ड को विन वर्ड के नाम से जानता है। विन वर्ड क्या है उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसे स्टार्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कीबोर्ड से विंडो की प्लस आर प्रेस करना है, तो आपका एक रन कमांड की विंडो ओपन होगी। इसमें आपको टाइप करना है विन वर्ड विदाउट एनी स्पेस। आप यहाँ पर विन वर्ड टाइप कर देंगे और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पर एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। एमएस वर्ड ओपन होने के बाद आप सिंपली से अगर आपका ये फुल स्क्रीन पर नहीं आ रहा है तो आप विंडो की के साथ अप एरो की एक बार प्रेस करेंगे तो ये आपका फुल स्क्रीन पर हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है वर्ड और रिसेंट फाइल्स, यानी वो फाइल्स जो आपने रिसेंटली यूज़ की हुई हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि हमें एमएस वर्ड बिल्कुल नहीं आता और हम बिल्कुल नया शुरुआत कर रहे हैं, तो हम शुरुआत करेंगे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट से। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो जाएगा, क्योंकि एमएस वर्ड हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के काम में आता है। तो हम किस किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं वो जान लेते हैं। कोई नोट्स बनाना चाहते हैं हम, एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, लेटर लिखना चाहते हैं, कोई फाइल या बुक बनाना चाहते हैं, नोटिस बनाना चाहते हैं, तो वो सारे काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। और अपनी फाइल को बनाने के बाद हम उसे पीडीएफ में या भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जानते हैं हम सबसे पहले ऊपर जो ऑप्शन दिया गया है ये लेफ्ट साइड में आपको, इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। और इसके सामने आपको एक नाम दिया हुआ है, ये आपका है टाइटल बार। यहाँ पर आपका जो भी डॉक्यूमेंट है इसको जो भी आप सेव करते वक्त नाम दोगे वो नाम यहाँ पर शो करेगा। और उससे आगे लिखा हुआ है वर्ड यानी सॉफ्टवेयर का नाम, जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो। इससे आगे आपको ऑप्शन दिया है कि हाइड और शो रिबन करने के लिए, इसकी शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस F1। अब ये रिबन क्या होता है, तो ये आपको नीचे होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हें हम बोलते हैं टैब बार। और जैसे ही हम इस टैब पर क्लिक करते हैं तो नीचे एक वाइट कलर का पोर्शन खुलकर आता है जिसे हम बोलते हैं रिबन। तो ये रिबन आप देख सकते हो अभी हमें शो हो रहे हैं। यदि मैं चाहूँ कि मुझे ये शो नहीं करने तो मैं सिंपल यहाँ पर शो हाइड रिबन पे क्लिक करके इसे हाइड करवा सकता हूँ, शो करवा सकता हूँ। तो मैंने कर दिया ऑटो हाइड रिबन, तो ये रिबन आपके हाइड हो गए। अब मुझे वापस लेकर आना है तो यहीं पर आप शो हाइड पे क्लिक करेंगे और शो टैब्स पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है टैब्स ओपन होंगे सिर्फ, यानी रिबन ओपन नहीं होगा। और अगर आपको साथ में रिबन भी चाहिए तो यहीं आपको लास्ट ऑप्शन शो टैब्स एंड कमांड्स यानी रिबन, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इससे आगे आपको ऑप्शन दिया गया है मिनिमाइज, रीस्टोर और मैक्सिमाइज करने का, और इस विंडो को क्लोज करने का। इन तीनों ऑप्शंस को हम कहते हैं विंडो मेन्यू बार। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर होम पर या इंसर्ट पर क्लिक करते हैं तो नीचे आपको एक रिबन खुलकर मिलता है और रिबन को भी कुछ हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं इस साइड है कॉल क्लिपबोर्ड, उसके बाद है फॉन्ट, इसके बाद है आपका पैराग्राफ। तो ये जो आपके पोर्शन दिए गए हैं इन्हें हम बोलते हैं पैनल, यानी क्लिपबोर्ड पैनल, फॉन्ट पैनल, पैराग्राफ पैनल, स्टाइल पैनल और ऐसे ही एडिटिंग। तो इन सब पैनल्स को मिलाकर ही बनता है रिबन। इसके बाद नीचे आपको दिया गया है रूलर, यहाँ पर आपको दो रूलर दिए जाएंगे जिसमें आपको मिलेगा वर्टिकल रूलर और हॉरिजॉन्टल रूलर। इसके बाद नीचे एक वाइट कलर की शीट दी गई है जिसे हम पेज बोलते हैं। राइट साइड में दिया गया है स्क्रोल बार, इसे हम कहते हैं वर्टिकल स्क्रोल बार, इससे हम अपने पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। और नीचे आपको मिलती है एक स्टेटस बार, स्टेटस बार में आपको जूमिंग लेवल दिया गया है जिससे आप जूम इन और माइनस पे क्लिक करके जूम आउट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं व्यू मोड, आगे आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर मैक्रो स्टार्ट करने का, और यही ऑप्शन जब आप स्टार्ट कर दोगे मैक्रो तो स्टॉप करने में चेंज हो जाएगा। अब मैक्रो क्या है इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोज में बात करेंगे। इसके बराबर में आपको ऑप्शन दिया है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, इसका मतलब जो आपकी प्रूफिंग लैंग्वेज, यानी आप कुछ भी लिखना चाहते हो इसमें एमएस वर्ड में। तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेड कलर की लाइन आ रही है, तो ये क्या है, प्रूफिंग, यानी डिक्शनरी में ऐसा कोई वर्ड नहीं है। तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है तो इसे कैसे पता चल रहा है कौन सी डिक्शनरी से मैच कर रहा है ये, तो वो आपको नीचे दिखाएगा इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट की डिक्शनरी है जिससे ये मैच किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है आपने टोटल वन वर्ड लिखा है, पूरा जो डॉक्यूमेंट है हमारा उसमें हमने कितना काम किया, कितना टाइप किया है, तो सिर्फ एक वर्ड लिखा है हमने GDF। अगर मैं इसके आगे कुछ और लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया शी, तो यहाँ पर शी लिखने से क्या हुआ है, यहाँ पर दो वर्ड हो गए,
अब मैं स्पेस देकर यहाँ पर तीसरा वर्ड लिख देता हूँ ही, तो यहाँ पर थर्ड वर्ड हो गया। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता रहूँगा स्पेस देकर, वो वर्ड एक एक करके बढ़ते रहेंगे। उसके थोड़ा सा जस्ट लेफ्ट साइड में है आपका पेज वन ऑफ वन। इसका इस पहले वाले वन का मतलब है कि आप पहले पेज पर हो। ऑफ वन मतलब टोटल पेज कितने हैं आपके पास। तो मैं आपको एक और पेज लेकर दिखा देता हूँ। एक और पेज लेने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एंटर की प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करते हैं हम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास टोटल 2 पेजेस हो गए। और अब मैं यहाँ पर दूसरे पेज पर आ गया हूँ, यानी दूसरा पेज, और टोटल 2 पेज हैं मेरे पास। पहले पेज पर जाता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज 1 of 2, यानी मैं पहले पेज पर हूँ दोनों पेजों में से। ठीक है, अभी एक चीज़ और यहाँ पर आनी बाकी है, उसके लिए मुझे जूम करना पड़ेगा थोड़ा सा। इसको जूम करते हैं, और तो जैसे ही मैं यहाँ पर जूम करता हूँ तो आप देख सकते हैं स्टेटस बार के ऊपर आपको एक और बार मिलेगी। स्टेटस बार से ऊपर हमें एक बार मिल रहा है, इसे भी स्क्रॉल बार ही कहते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। जब हम पेज को ज़्यादा जूम कर देते हैं तो पेज हमारा लेफ्ट और राइट साइड में थोड़ा डिसअपेयर हो जाता है। तो उसे अपेयर करने के लिए, देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसे लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट ले आ सकते हैं, जिससे कि हम यहाँ पर कोई भी चीज़ जो हमने लिखी है उसे पूरी तरीके से देख सकते हैं। इसके नीचे आपको दिया गया है टास्क बार। टास्क बार में सबसे पहले आता है आपका स्टार्ट का बटन, यानी जो आप कीबोर्ड से विंडो की प्रेस करते हैं, अगर आप यहाँ पर भी क्लिक कर देंगे तो वही चीज़ यहाँ पर आएगी। इसके बाद आपको कुछ पिन सॉफ्टवेयर मिलते हैं जो हम क्विकली एक्सेस करने के लिए यहाँ पर पिन करवा देते हैं। जैसे कि हम मोबाइल में करते हैं, अपना डायल पैड, कैमरा, व्हाट्सअप को हम नीचे रख लेते हैं, जिससे कि हम किसी भी स्क्रीन पर जाएँ वहाँ पर हमारा डायल पैड वहीं का वहीं रहता है। इसके बाद आपको मिलेगा टास्क बार का एरिया, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरे पास वर्ड और फिल्मोरा 2 सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, ये रनिंग है इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये वाला एरिया क्या हमारा टास्क बार एरिया है, कि हम क्या क्या टास्क यूज़ कर रहे हैं। इसके आगे आपको इंग्लिश, यानी कीबोर्ड के थ्रू आपकी कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जा रही है टाइप करते वक्त, वो यहाँ पर दिखा रहा है। इसके आगे और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको दिखाएगा, जैसे इंटरनेट के नोटिफिकेशन है कि इंटरनेट कनेक्ट है या नहीं है, चार्जिंग कितनी है आपके इसमें, स्पीकर वॉल्यूम क्या है, डेट एंड टाइम क्या है। तो ये सारी चीज़ें क्या आपके नोटिफिकेशंस हैं। तो ये होता है आपका नोटिफिकेशन एरिया। ये तो बात थी इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब आता है कि हमें बहुत सी चीज़ की प्रैक्टिस भी करनी है, कि भाई शुरुआत करते हैं, प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको कंट्रोल ए करके मैं सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करके इसे डिलीट कर देता हूँ। थोड़ा सा जूमिंग लेवल कम कर देता हूँ ताकि आपको पेज सही से दिखाई दे दे। प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए आपको कुछ टेक्स्ट, और हम मानते हैं कि हमारी टाइपिंग स्पीड है 0। तो हम कैसे लिखें टेक्स्ट, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड से इक्वल्स टू प्रेस करना है, और यहाँ पर आपको टाइप करना है RAND, रैंड, ब्रैकेट ओपन करना है, शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, और शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और आप कर देंगे एंटर। एंटर करते के साथ ही आप देखेंगे आपके पास कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए आ रहे हैं। बाई डिफ़ॉल्ट आपके 2016 का वर्ज़न है, 5 पैराग्राफ इसमें आ जाएंगे। और अगर आप पैराग्राफ को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो जो हमने ब्रैकेट लिया है इसके अंदर हम एक काउंटिंग बता देंगे कि भाई मुझे 2 पैराग्राफ चाहिए सिर्फ। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ 2, और लास्ट में आके मैं फिर से एंटर कर देता हूँ इस पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पैराग्राफ आपके यहाँ पर आ गए। अब पैराग्राफ में बात आती है सेंटेंसेस की, कि मुझे सेंटेंस जो है कम रखने हैं, ये पैराग्राफ थोड़े बड़े हैं। तो मैं फिर से एक बार कंट्रोल सेट करके बैक कर रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ। आपको करना क्या है, ये 2 का मतलब हो गया कि 2 पैराग्राफ चाहिए। इसके बाद लगानी है कोमा, और आप कहते हैं मुझे एक पैराग्राफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 सेंटेंस ही चाहिए। तो आप 2 फिर से लिख देंगे और कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब आप देख सकते हैं जो आपका पैराग्राफ है वो छोटा आया है। पहला पैराग्राफ हो गया आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस वाले डॉट तक, और दूसरा सेंटेंस हो गया आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये आपका एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैं एक आपको बहुत ही काम की चीज़ बताता हूँ कि पैराग्राफ होता क्या है। पैराग्राफ का मतलब होता है आपने जहाँ पर एंटर किया हो, यानी यहाँ पर अगर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो ये आपके पास 3 पैराग्राफ हो गए, 1, 2 और 3। एक पैराग्राफ कहाँ से कहाँ तक है मैं कैसे जानूँगा, तो उसके 3 बार अगर आप क्लिक करते हैं किसी भी वर्ड पर तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। बस क्लिक आपको थोड़ा स्पीड में करने हैं, तो क्लिक करते हैं 1, 2, 3, और ये हमारा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। इसी तरीके से नीचे मैं इस पर क्लिक करता हूँ 1, 2, 3, और ये पैराग्राफ भी हमारा पूरा सिलेक्ट हो गया। तो अगर मैं 2 बार किसी वर्ड पे क्लिक करूँगा तो वर्ड सिलेक्ट होगा, और मैं अगर 3 बार उसी वर्ड पे क्लिक कर दूँ या किसी दूसरे वर्ड पे क्लिक कर दूँ
तो मेरा पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि प्रोफेशनली जो लिखा हुआ आ रहा है इसमें आपकी ब्लू लाइन आ रही है। तो ब्लू लाइन का मतलब होता है कि आपकी कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक है जी। अगर रेड लाइन आती है तो इसका मतलब है आपने स्पेलिंग कोई मिस्टेक की हुई है, यानी मिस स्पेल्ड है आपका वर्ड। और अगर ब्लू लाइन अगर आती है तो इसका मतलब है ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो क्या आप गेस कर सकते हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या हो सकती है यहाँ पर? कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने से हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। तो राइट क्लिक अगर हम यहाँ पर करते हैं तो आप देख सकते हैं प्रोफेशनली आपका लिखा हुआ आ रहा है, पी कैपिटल आ रहा है इसमें। तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये पी कैपिटल क्यों आ रहा है, स्पेलिंग तो सही है, तो ग्रामर में क्या मिस्टेक है? तो आपने बहुत सी बार पढ़ा होगा, सुना होगा कि जब भी हम कोई नया पैराग्राफ या नया सेंटेंस शुरू करते हैं, कोई नया पैराग्राफ या कोई नया सेंटेंस शुरू करते हैं, तो जो पहला वर्ड का पहला लेटर होता है उसे हम कैपिटल रखते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टॉप लगा दिया और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यानी कि हमारा पैराग्राफ नया स्टार्ट हो गया, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पहला अक्षर भी कैपिटल रखना होगा। सबसे पहले हमारा ऑप्शन है पेस्ट। तो पेस्ट क्या काम करता है, तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक टीचर ने आपको एक वर्क दिया कि भाई आपको आपकी हिस्ट्री की बुक पे इंडिया गेट की एक इमेज लगानी है। तो आप क्या करोगे, आपको एक इंडिया गेट की इमेज चाहिए और आप उसको फेविकॉल या ग्लू वगैरह से, गम से अपनी बुक पे रजिस्टर पर चिपका दोगे, यानी पेस्ट कर दोगे। तो वही ऑप्शन है आपके पास सेम, लेकिन पेस्ट करने से पहले आपको एक इमेज चाहिए। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको पेस्ट करने से पहले आपको वो चीज़ चाहिए, वो डाटा चाहिए जो आपको पेस्ट करना है। तो वो डाटा हम कहाँ से लेकर आएंगे, तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है कट और एक है कॉपी। दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो आपको मैं करके समझाता हूँ। तो पहले हम लेते हैं कट। कट करने के लिए आपका ऑप्शन जो है वो हाईलाइट नहीं हो रहा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना होगा। तो कभी भी आपको कट या कॉपी करना है तो सबसे पहले बनाना है आपको सिलेक्शन। तो मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और क्लिक किया कट पे। देखिए दोनों चीज़ें हाईलाइट हो गई हैं, कट और कॉपी। तो मैंने इसको क्लिक किया, तो जैसे ही मैं कट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ से पैराग्राफ रिमूव हो गया। अब मैं यहाँ पर नीचे क्लिक करके पेस्ट पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए तो वही पैराग्राफ आपका क्या हुआ, नीचे पेस्ट हो गया। यानी कट का मतलब होता है एक टेक्स्ट को या किसी एक इमेज को, किसी शेप को, जो भी चीज़ आपके पास है उसे एक जगह से कट करके दूसरी जगह पर रखना, पेस्ट करना। कॉपी, कॉपी का मतलब क्या है, तो कॉपी के लिए एक काम करते हैं, मैं दोबारा से दूसरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने जो कैन ऑल्सो टाइप कीवर्ड वाला पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया और क्लिक किया कॉपी। कॉपी करने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो कट और कॉपी में यही फ़र्क है। कट का मतलब होता है एक जगह से कट करना और दूसरी जगह रख देना उसे। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि कट या कॉपी करने के बाद आपको पेस्ट करना ज़रूरी है। क्लिपबोर्ड में आपको यहाँ पर एक छोटा सा एरो दिखाई दे रहा होगा जिसे क्लिपबोर्ड ओपन कर सकते हैं हम। तो इस पर क्लिक करेंगे हम, क्लिपबोर्ड ओपन हो जाएगा। और क्लिपबोर्ड ओपन होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका प्रोफेशनली वाला एक पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सबको क्लियर कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने यू कैन ऑल्सो इस वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक किया कॉपी। तो जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया कॉपी पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स आ गया जिसमें लिखा हुआ है आपका पैराग्राफ। फिर मैं इसी तरीके से दूसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, फिर से मैंने क्लिक करा कॉपी। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर दो बॉक्स आ गए। तीसरा वाला भी अगर मैं लेना चाहूँ तो सेम इसी तरीके से तीसरे को भी कॉपी कर लेते हैं। और अब लास्ट में आ जाते हैं या जहाँ पर भी मुझे पैराग्राफ चाहिए वहाँ पर आ जाते हैं। और अब इस तीनों में से जो भी मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है मुझे सिंपल उस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद वो पैराग्राफ यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। आप कोई भी पैराग्राफ पेस्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों को कॉपी करना है और फिर पेस्ट करना है तो आप वो भी क्लिपबोर्ड को ओपन करके कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड और भी ऑप्शंस और फॉर्मेट प्रिंटर क्या है और इसमें आगे फॉन्ट, पैराग्राफ स्टाइल, ये ऑप्शंस क्या हैं, इन सभी के बारे में बताऊँगा। इसके बाद अगर आपको फाइल को सेव करना है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस की प्रेस करेंगे जिससे कि सेव एज का ऑप्शन आएगा पहली बार में। और यहाँ पर आप जहाँ भी इसको सेव करना चाहते हैं, मैंने सिलेक्ट कर लिया डेस्कटॉप, आप अपनी फाइल का नाम यहाँ पर दोगे कि आपको फाइल का नाम क्या रखना है। तो मैंने कहा यहाँ पर क्लास वन और सिंपल सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको इसे क्लोज़ करना है, तो आप क्लोज़ करने के लिए क्लोज़ पर भी क्लिक कर सकते हैं और कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस F4 की भी प्रेस कर सकते हैं।
यदि आप चाहते हैं कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना तो हमारा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आप हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हैंड टू हैंड पा सकें।